आप कहाँ से हैं? फतेहपुर से। और कितने साल बाद ये हुए हैं दोनों बच्चे? ये 10 साल। 10 साल बाद? मई से 10 साल हो गए। अच्छा अच्छा। और जब से भी आपको ये प्रॉब्लम पता चली है, तब से यहाँ आने से पहले भी आपने कहीं दिखलाया? हाँ दिखला रहे थे, लेकिन कहीं नहीं, सफलता कहीं नहीं मिली। और यहाँ जावित्री टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के बारे में आपको कैसे पता चला? अखबार के माध्यम से। जब आप लोग यहाँ पे आए और यहाँ की डॉक्टर डॉक्टर राजीव त्यागी मैडम से मिले, उन्होंने आपको क्या बोला? क्या अब जैसा उन्होंने कहा वैसा हुआ? 10 साल बाद आपकी गोद में दो बच्चे आए हैं, मैडम को क्या कहना चाहेंगे? जी जी, आप खुश हैं? और फैमिली में जिनको भी नहीं पता था उनको बताया, वो सब लोग खुश हैं? और आपने इस दौरान देखा होगा 9-10 महीने मैडम की इतनी अथक मेहनत, मैडम का इलाज के प्रति संकट जी, तो उनका उद्देश्य यही है कि कोई भी यहाँ से खाली हाथ ना जाए। हम एक पेशेंट भी भेजे हैं। जी जी, बहुत दो, अच्छा काम किया। दो भेजे हैं तो, लेकिन एक वो वैसे आ रहे हैं, एक को सो भेजे हैं उसमें। क्योंकि मैडम ये एक नेक काम भी है। आपको 10 साल परेशान होना पड़ा, लेकिन किसी के बारे में पता चले तो उसको तुरंत आप बता सकते हैं, ताकि उसको 10 साल ना उसके पैसे बर्बाद हो और ना 10 साल उसके समय खराब हो और उसको आकर के यहाँ पे बच्चे नहीं वो जी। करा रहे हैं मतलब। अच्छा, दिखा के गए, शायद उनकी दो तरह की डेट लगे हैं। आप यहाँ पे हमारे IVF डिपार्टमेंट में इलाज कराया आपने? जी, जी सर। यहाँ ICU NICU सभी जगह आपके आपको जाना आना हुआ, यहाँ के सभी स्टाफ और डॉक्टरों ने आपको सहयोग किया? सब लोग सहयोग। जी जी, फाइनल शब्द हम आपसे लेना चाहेंगे, 10 साल बाद आपके गोद में दो बच्चे, मैडम को क्या बोलेंगे? जावित्री टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की तरफ से आपको इन दोनों बच्चों के होने पर ढेर सारी बधाई।